आज यहाँ जो भी हमारे नौजवान साथी यहाँ के लोग हैं इनको कंट्रोल किया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बात को माना। नहीं, आज माहौल ऐसा बिगाड़ने का था कि यहाँ बिल्कुल 10-20 आदमी मर जाएं, इस तरह की इनकी सोच थी कि ऐसा यहाँ पर हो, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत संयम के साथ काम किया और इस माहौल को नहीं बिगड़ने दिया। लेकिन अब हमें शिकायत ये है प्रशासन से, हमने ACP साहब से भी कहा है कि ACP साहब अब हमें वो नोटिस मिले कि इन्होंने जो तोड़ा है किस कानून की कार्रवाई के तहत तोड़ा है, ताकि हम कोर्ट में जाके कहें कि इन लोगों ने ये इससे तोड़ा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन मस्जिद में हमने बचपन में नमाज को पढ़ना सीखा, सजदे सीखे, आज उसी मस्जिद के ऊपर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, कोर्ट से फरमान था या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मस्जिद के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं और मस्जिद के सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ह्यूमर फैलाया गया कि कोई नोटिस पहले से दिया गया था, क्या कोई नोटिस दिया गया था, कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी इस चीज़ को लेकर के? देखिए, 10-12 दिन पहले ये बात कही गई थी कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि ये मस्जिद को आपको डिमोलिश किया जाए कुछ हिस्सा। लेकिन जब हमें पता लगा तो हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, पूछा, DC साहब से भी हमने पूछा, पुलिस की तरफ से भी हमारे पास ये आया कि भाई आपके जो मस्जिद का हिस्सा को डिमोलिशन होने वाला है, तो हमने उनको ये कहा कि भाई हमारी जो मस्जिद है 1977 की अलॉटमेंट है, वाई ब्लॉक पार्क के अंदर तकरीबन 20-25 पार्क होंगे, उस एक पार्क के अंदर मस्जिद है और ये अलॉटमेंट है, और भी धार्मिक स्थल हैं जो कि इल्लीगल हैं, ये अलॉटमेंट है, इसका कुछ हिस्सा जब हमारी कॉलोनी यहाँ पर आई थी 76 के अंदर तो 300 घर थे, जो जगह हमारे पास अभी है उसी वक्त से है, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता रहा हम इसको बनाते रहे और उसी वक्त से इसको बनाया हमने। तो हमने उनको बताया कि भाई 1977 से हमारी अलॉटमेंट है, आप अगर इसको डिमोलिश करने के लिए आ रहे हैं तो इसका एक नोटिस होता है, हमें कम से कम कोई नोटिस दीजिए। पुलिस से हमारे पास बात पहुंची कि भाई ये डिमोलिशन का वो है, तो हमने पुलिस से कहा कि जी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, उन्होंने कहा आपके पास नोटिस ज़रूर होगा। तो SHO साहब से हमने कहा कि सर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि नोटिस होगा, अब हम आपको कह रहे हैं कि नोटिस हमारे पास नहीं है, आप थाने के मालिक हैं, पूरी मंगोलपुरी की जिम्मेदारी आपकी है, अगर MCD वाले कहते हैं हमने नोटिस दिया है, हम अपनी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, हम आपको कह रहे हैं हमने नोटिस नहीं दिया, आप उनको बुलाइए और नोटिस हमको दिखाइए, कम से कम नोटिस के अंदर 2-5-7 दिन 10 दिन का टाइम हो जो कि हम कोर्ट में भी चले जाएं। उस चीज़ के लिए भी SHO साहब ने कहा कि भाई वो नहीं दिखा रहे, बल्कि ये कहा गया कि जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन दिखाएंगे। तो हमने कहा जिस दिन कार्रवाई होगी आज अगर आप हमको वो दिखाते हैं और वो कानूनन सही है तो हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये हमारा आपस का तालमेल है, अगर कोर्ट से है तो उसको रुकावट का कोई मामला ही नहीं है, वो तो वहाँ लड़ाई होगी, लेकिन अगर नहीं है तो हमें तो कोर्ट जाना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम दिखाएंगे, आपका वो सही भी हुआ, लोगों को हम कैसे समझाएंगे? लेकिन वो हमारी बात नहीं मानी गई, यहाँ पर आया बुलडोज़र और उन्होंने चलाना शुरू किया। हमने फिर भी ये कहा भाई हमारा कोई नोटिस तो दीजिए, आपने कहा था जिस दिन होगा उस दिन दिखाएंगे, आप आज भी नहीं दिखा रहे हैं, आप किस कानून के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कोर्ट का ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है? सबसे पहली बात तो जो भी धार्मिक स्थल हैं, कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी रिलीजियस कमेटी को जाता है, वहाँ से परमिशन मिलती है, जब जाके ये टूटता है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया गया, बिल्कुल इलीगल, बल्कि हमसे कह रहे अपने कागज़ दिखाओ। हमारे तो कागज़ MCD के अंदर हैं, उसमें अलॉटमेंट है, ये पार्क बाद में बना है और हमारी मस्जिद पहले की है, कॉलोनी 76 के अंदर आई है, 77 की अलॉटमेंट है, पहले ये मस्जिद की जगह आई है, पार्क इन्होंने बाद में बनाया है, ये जो कहते हैं पार्क के अंदर मस्जिद है, लेकिन हमारी अलॉटमेंट है, कोई हमें नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और ये आपके सामने कि इन्होंने ये तोड़ दिया। क्योंकि एक शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा है कि भड़काऊ वीडियो बनाते हैं, और बार बार ये बताई जा रही थी बातें कि उस शख्स ने एक वीडियो बनाया, बोला कि मैं ये कार्रवाई करवाऊंगा, तो क्या ये माना जाए कि माहौल बिगाड़ने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है कि कोई भी आता है बोलता है कि ये मस्जिद अवैध है, प्रशासन बिना जाँच पड़ताल के बुलडोजर की कार्रवाई करके गया? बिल्कुल यही बात है। एक शख्स, क्या नाम है उसका? प्रीत सिंह नाम है उसका, वो मस्जिदों की ही सारी इस तरह की कंप्लेंट लगाते हैं। चलो हम तो कहते हैं लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई आदमी अगर गलत कंप्लेंट लगा रहा है या सही भी लगा रहा है तो प्रशासन को तो उसको देख के करना चाहिए, अगर वो सही लगा रहा है तो आप काम करो, सही है तोड़ो, और गलत है तो प्रशासन को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये माहौल को बिगाड़ने का ही मकसद है। आज यहाँ जो भी हमारे नौजवान साथी यहाँ के लोग हैं इनको कंट्रोल किया है,
हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बात को माना, नहीं आज माहौल ऐसा बिगाड़ने का था कि यहाँ बिल्कुल 10-20 आदमी मर जाएं, इस तरह की इनकी सोच थी कि ऐसा यहाँ पर हो, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत संयम के साथ काम किया और इस माहौल को नहीं बिगड़ने दिया। लेकिन अब हमें शिकायत ये है प्रशासन से, हमने ACP साहब से भी कहा है कि ACP साहब अब हमें वो नोटिस मिले कि इन्होंने जो तोड़ा है किस कानून की कार्रवाई के तहत तोड़ा है, ताकि हम कोर्ट में जाके कहें कि इन लोगों ने ये इससे तोड़ा है, वो भी हमें नहीं मिला। ACP साहब ने कहा कि वो हम दिलवाएंगे, अब देखते हैं कैसे दिलवाते हैं। क्योंकि ये देखा खासतौर पर कि तमाम तरीके से आरोप लगे और जी न्यूज़ में चलाया जा रहा है कि पथराव जो है वो किया गया, अतिक्रमण कर रखा था मस्जिद को, कुछ ऐसी कार्रवाई या कोई ऐसी घटना घटी है यहाँ पर आज तक? नहीं, ये तो 77 से लेकर आज तक हमारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं, आज तक इस मस्जिद के ऊपर कहीं भी ना कोई पथराव हुआ ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और आज भी इतनी बड़ी कार्रवाई की है। हमारे नौजवान साथियों ने बहुत बात को माना है कि आज भी एक पत्थर नहीं चलाया, कहीं भी कोई मीडिया के अंदर कहीं दिखा दे किसी ने कोई पत्थर चलाया नहीं, छोटे से झगड़े के अंदर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं, ये तो सिर्फ एक माहौल को बिगाड़ना है। और प्रशासन से हमारी अपील है कि इसको देखा जाए, आगे ये ऐसा काम आगे ना करें, अब एक चीज़ कंट्रोल हो गई, आगे हो सकता है ना हो कंट्रोल, तो माहौल ना बिगाड़ा जाए और इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मैं ये आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्या कार्रवाई जो है आगे आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई, आप नोटिस मांगते रहे, प्रशासन से मांगते रहे, MCD से मांगते रहे, पर नोटिस नहीं दिया गया, तो आगे की कार्रवाई किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आगे दीवार को या वजू खाने को टारगेट किया गया है, कल को कोई बड़ी कार्रवाई ये लोग ना करें, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए तैयारी है कि हम कोर्ट जाएंगे, पहले तो जो ACP साहब ने कहा ये नोटिस देंगे, अगर ये नोटिस देते हैं तो उसके उस पर, नहीं तो जो तोड़ा है ये हमारे पास इसकी वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, अब हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ हम यही बात रखेंगे कि MCD ने किस कानून के तहत ये काम किया, पुलिस प्रशासन ने जो फोर्स दी है उन्होंने किस कानून के तहत इनको फोर्स दी, क्या ये माहौल को बिगाड़ने का था, तो इसके लिए हम बिल्कुल कोर्ट जाएंगे और इसकी हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें पीछे हम नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इलाके के जिम्मेदार और मस्जिद के सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी और कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी की जाएगी जो लगातार भड़काऊ वीडियो बनाते हैं और अतिक्रमण सिर्फ एक समुदाय के लोगों को और मस्जिद मदरसों को टारगेट करने के लिए ही कंप्लेन देते हैं कि साहब ये अतिक्रमण है और ये तमाम कार्रवाई जो है कर दी जाती है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं एक आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा कि क्या सामान हटाने की भी मोहलत दी गई थी? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, चुप रहो। ये बताया गया कि 10 बजे के आसपास ये बताया जा रहा था कि 10 बजे बुलडोजर की कार्रवाई जो है की जाएगी, पर 6-6:30 बजे ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये तो हमें पता लगा कि 5:30-6 बजे थाने पर इकट्ठे हो गए और तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर आ गई है, तो वैसे तो कोई सामान इतना वो था नहीं, मस्जिद का जो सामान था थोड़ा बहुत था, सामान कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन किसी चीज़ की कोई आके और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बिना नोटिस के तोड़ कैसे गया? मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको मस्जिद के इधर से भी कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि ये टीन शेड लगी हुई थी जिसे बुलडोज़र के ज़रिए गिराया गया और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये पूरी दीवार थी मस्जिद की, इस जगह पर एक बड़ी ऊंची दीवार बना रखी थी जिस पर सबसे पहले बुलडोज़र चलाया गया है और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की गई है, जो कि कई सारे सवाल हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि आप ये वजू खाना बना हुआ है, वजू जो है लोग करते थे और इस जगह पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और ये टीन शेड वगैरह आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ और ये तमाम चीज़ें तस्वीर आपके सामने हैं। और सदर साहब से हमने बात करके ये साफ तौर पर जाना कि उनका कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए वो 15 दिन से लगातार प्रशासन से नोटिस मांग रहे थे, वो 15 दिन से लगातार MCD से नोटिस मांग रहे थे, तमाम तरीके से नोटिस मांगते रहे पर नोटिस जो है वो नहीं दिया गया। आप ये देखें कि ये पूरी दीवार थी, इस दीवार पर ये कार्रवाई हुई और यहाँ ये वजू खाना है, इस वजू खाने को भी बुलडोज करने का काम किया गया, इसके आगे एक दीवार बनी हुई थी उसे पूरी तरीके से बनाया गया, इस्तंजा घर बना हुआ था उस पर बुलडोजर चलाया गया है, आगे की एक और दीवार है मस्जिद को लेकर के, ये पूरा वजू खाना ही था और आगे एक दीवार है वो भी वजू खाना है जिसके ऊपर जब ये कार्रवाई की गई तो कुछ महिलाएं ऊपर आकर के हो गई खड़ी कि हम ये कार्रवाई जो है नहीं होने दे सकते क्योंकि ये इलीगल तरीके से कार्रवाई की जा रही, जो कि आप देख सकेंगे कि महिलाएं अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए ऊपर पहले से ही पहुंच चुकी थी। और सवाल यही है और सदर साहब का भी साफ तौर पर कहना है कि आगे की लीगल लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, जिसने भी ये किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
और आप देख सकते हैं कि बार बार मस्जिद से जो जिम्मेदार हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इमाम के ज़रिए भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग अपने कार्य को पूरा करें और जो चीज़ें चल रही हैं किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े, ये बार बार मस्जिद से अपील की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मंगलपुरी के लोगों ने दिखाई है, समझदारी और तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने हैं, जो कि सदर साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि हाँ ये लोगों ने बहुत हमारी बात को माना और उन्होंने किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि संजा घर बना हुआ था, इस पर बुलडोज़र जो है वो चलाया गया है और ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई जो है सुबह सुबह की गई है एक माहौल बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, जिसके बारे में बार बार बात करना ज़रूरी है। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मस्जिद से बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि लोग ज़्यादा पैनिक ना करें, आगे सारी कार्रवाई की जाएगी, भीड़ ना लगाएं, अपने अपने घरों पर जाएं, ये बार बार मस्जिद के ज़रिए जो है अपील की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, युवाओं को समझाया जा रहा है। ख़ासतौर शासन के ज़िम्मेदार अभी यहाँ आए हुए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? प्रशासन की तरफ से भी DCP साहब आए, उन्होंने बात की है, वो तो उनसे हमने यही कहा कि भाई तोड़ा है, कोई हमें नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन DCP साहब कह रहे हैं कि भाई आगे भी कुछ ऐसा होगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा। हम तो अभी जो टूटा उसकी बात कर रहे हैं कि इसका हमें नोटिस नहीं मिला, अब वो कह रहे हैं कि आगे होगा तो उसका नोटिस मिलेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम मिले कार्रवाई के लिए, कोई मसला। ये कहा जा रहा है कि माहौल ना बिगड़े, कुछ ऐसी बातें जो हैं वो प्रशासन की तरफ से बार बार कही जा रही है और मैं लगातार यहाँ पर कई घंटे से मौजूद हूँ, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन वहाँ से मस्जिद की तरफ से आपको यहाँ लेकर के आए और बातें की गई, क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन आपको मिला है? वो आश्वासन ये वो यही कह रहे हैं कि भाई माहौल ना बिगड़े, हमने कहा जी आप देखो शुरू से अब तक जो भी कार्रवाई हुई है हमारी तरफ से इतना बड़ा मजमा है लेकिन किसी ने कोई उंगली भी नहीं लगाई है, हमारी तरफ से कोई माहौल की ऐसी बात नहीं है, हम ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि उनसे हमें नोटिस मिले ताकि हम आगे कोर्ट में जाएं, जो भी इन्होंने किया है इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएं। अब DCP साहब ने कहा है कि 3 बजे जो है ऑफिस में आना, वहाँ देखते हैं क्या बातचीत होती है। 3 बजे के आसपास बुलाया गया, क्या कार्रवाई जो है करने की बातें कही गई हैं? नहीं, कार्रवाई तो क्या हम लोगों का मांग ये है सर, हमने DCP से बात कही है ये कि पॉपुलेशन के अक्रोडिन जो हमारे जो एनफोर्समेंट में है वो लीगल होते हैं और मस्जिद कमेटी की तरफ से पिछले 10-12 सालों से हमारी जो रिक्वेस्ट रही है जो हमने जो एक्वायर किया है उसकी पैसा बोलो और हमसे वो ले लीजिए, क्योंकि हम गलत काम करने वाला नहीं है, क्योंकि नमाज एक ऐसी जगह है जहाँ बिना उनके रजिस्टर्ड में नमाज नहीं होती है और हमारे पहले से ही ये रजिस्टर्ड है 400 गज का, तो ये सदियों से हमारे बुजुर्ग ने जो हमारे बाप दादाओं ने तो ये कॉलोनी बसाई जब ये मस्जिद बनी है और उसी से अक्रोडिंग ये अलॉटमेंट हुई है। अब पॉपुलेशन बढ़े हैं, पहले 3,000 था, अब 15,000 या 20,000 लाखों पहुँचेंगे, उस हिसाब से हमारे जगह फिर भी कम है, लेकिन हमने प्रशासन से ये कहा, MCDC से कहा हमसे वो पैसे ले लीजिए और हमें ये आराम से ये बनाने दीजिए, आराम से हमें नमाज पढ़ने दीजिए बस हमारे। और एक बात और है, आपके माध्यम से हम ये कह रहे हैं यहाँ एक मदरसा भी है और वहाँ से जनरल एजुकेशन भी है और 40 कंप्यूटर है, हम कंप्यूटराइज एजुकेशन करते हैं अपने बच्चे को और हम माशरे से ही सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, हम चंदा किसी से लेते नहीं है, ना राजनीति से लेते हैं और ना कई और मुल्क से लेते हैं, वो हम अपने माशरे में ही ये चीज़ करते हैं और अल्लाह ने हम लोगों को बहुत कुछ दिए हैं इस कुर्बानी के लिए, ठीक है सर। और बाकी चीज़ सदर साहब आपको इकट्ठा सब कुछ बता देंगे। जो चीज़ ये एनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, 1977 की हमारी मस्जिद अलॉटमेंट है और ये जितनी जगह है ये हमारी शुरू से बात की नहीं है, ये जो कहते हैं एनक्रोचमेंट है, एनक्रोच तो है ही नहीं, 77 में अलॉटमेंट हुआ और ये जो पार्क है जिसके अंदर मस्जिद है, पहले मस्जिद अलॉट हुई है, पार्क बाद में बना है, जिसको कह रहे हैं कि पार्क के अंदर मस्जिद है, मस्जिद पहले अलॉटमेंट है, पार्क बाद में बना हुआ है और जितनी जगह है पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है कि जैसे जैसे चंदा आया हमने नमाज़ पढ़ने के हिसाब से उसको ऐसा किया जो हम नमाज़ पढ़ सकें, ऐसा नहीं कि हमने इसको बढ़ाया है, जो पटरी है ये 15-20 सालों से, अगर यहाँ हमारी मस्जिद ना होती तो पटरी तो आगे करते ना, इसका मतलब अगर ये मार्क किया है फुटपाथ तो हमारी पहले से है तभी तो किया है ये, हम अगर इनको कहेंगे 20 फुट आगे कर दो नहीं करेंगे, अगर एक बिल्डिंग बनी है उसके साथ से ही फुटपाथ बनाएंगे, तो ये पहले का है, ये मार्क है और ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। ये सबसे
सबसे बड़ी पहचान है, जो कि प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद थे, डीसीपी साहब आ रखे थे, तमाम तरीके से बातें हुई हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि सदर साहब और मस्जिद के जिम्मेदार नोटिस मांगते रहे, नोटिस आज मिलेगा, कल मिलेगा करते रहे, या जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन मिलेगा, पर नोटिस जो है हाथ में नहीं थमाया गया। और प्रशासन के जरिए जो है एमसीडी के साथ मिल करके इतनी बड़ी कार्रवाई जो है आज माहौल बिगाड़ने के लिए कर दी गई है।